नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंड अप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में हजारों मजदूर उतरेंगे सड़कों पर। मजदूर, किसान, मछुआरे और हॉकर्स 26 नवंबर को सभी की हड़ताल की तैयारी। 26 नवंबर की हड़ताल के लिए दिल्ली NCR और हरियाणा तैयार, कई मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी। कोरोना अपडेट, देश में पिछले 24 घंटों में 37,975 नए मामले, 480 मरीजों की मौत। न्यूज क्लिक के काशिफ ने आगामी 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल के संदर्भ में मध्य प्रदेश के विभिन्न यूनियन नेताओं और मजदूरों से बात की है। नए श्रम कानूनों और COVID-19 की स्थिति के कारण उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी मांगे क्या है, आइए देखते हैं। मिल जा रहा है, काम मिल रहा है अभी? नहीं मिल रहा सर, दो तीन दिन को मिलता है, 8-10 दिन में। कैसे गुजारा किया लॉकडाउन भाभी? हम जानते हैं, जानता है, 100-100 रुपये भाभी हमने काम कराया है यहाँ पे बाड़े के अंदर, मंत्र के काम कर रहा हूँ भाभी। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है सर, बिजली का बिल आ रहा है, 55,000 रुपये बिल है अभी। कितने महीने का है? बच्चे पालक बिल भरा सर, आज तक कोई मीटर जाँच नहीं किया उन्होंने, मीटर पर आज तक गई नहीं। तो सर, मुख्य वजह, एक तो वजह क्या है इस आंदोलन के पीछे, इस गुस्से के पीछे? बेरोजगारी, जो अभी हमारा लोग पलायन हो गए हैं, निकाल दिए गए नौकरी में, जो हमारा कोरोना है उसमें भी हमने डिमांड किया है कि हर व्यक्ति को जिसकी जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है उसको 7,500 रुपये परिवार दिया जाए महीना, 7,500 उसको। और मुख्य कारण तो भूख है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, दबा है, सब बंद हुआ है इस काल में। 26 नवंबर को केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। उसका कारण है हमारे देश में जो श्रम कानूनों की संहिता आई है उसका विरोध करना, जो किसान बिल है उसका विरोध करना, जो ऐसे परिवार हैं जिनको कोरोना में बहुत तकलीफ हुई है, जो कि आयकर नहीं देते हैं, उनको 7,500 रुपया प्रति माह देना, मनरेगा के 100 दिन को 200 दिन के काम में परिवर्तित करना और शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा को लागू करना, सरकार द्वारा निजीकरण का विरोध, समय से पहले सेवानिवृत्ति का विरोध और ऐसी सभी मांगों को लेकर केंद्रीय संयुक्त मोर्चे द्वारा इस हड़ताल का आह्वान किया गया है देश भर में। देखिए, बुनियादी रूप से हुआ ये कि ये COVID-19 की महामारी का इस मोदी सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली सभी सरकार में कॉरपोरेट के पक्ष में और मजदूरों और किसानों के खिलाफ इसका दुरुपयोग किया है। इसका अभी दिल्ली के सरकार ने जो 44 श्रम कानून थे उनको सबको निरस्त करके 4 श्रम संहिताएं बना दी। अभी 4 जो श्रम संहिताएं हैं वो पूरी तरीके से मजदूरों को जो भी कुछ अधिकार थे श्रम कानूनों के तहत, जो कानून में तो लिखे थे लेकिन लागू नहीं होते थे, उनको लागू कराने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता, लेकिन जो लिखे थे अब उनको भी खत्म कर दिया है। तो अब पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने कॉरपोरेट्स के लिए पूरी तरीके से जंगल राज का व्यवस्था कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि जो काम वो गैर कानूनी रूप से करते थे उन्हें इन श्रम कानूनों बदल के अब कानूनी रूप दे दिया गया। और मजदूरों के साथ साथ किसानों पर ये जो 3 की खेती संबंधी जो कानून आए हैं, अब उसके बाद ये 3 खेती संबंधी कानून बाद हिंदुस्तान की खेती भी कॉरपोरेट्स के हाथ में चली गई, करोड़ों करोड़ों किसान बर्बाद होगा। तो ये जो संघर्ष है 26 तारीख का, तो मध्य प्रदेश में हमें उम्मीद है कि अब तक की जो भी ऐसी गतिविधियां हुई हैं, तो ये 20वीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और हर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की हम लोग तैयारी करते हैं, हर राष्ट्रव्यापी हड़ताल को हम लोग सफल करने की कोशिश करते हैं, पर अब तक की हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से ये 20वीं जो हड़ताल है पूर्ववर्ती हड़तालों की तुलना में व्यापक भागीदारी होगी। ये बात सही है कि कोरोना का एक नई लहर खड़ी हुई है और उसके चलते ना प्रशासन इसका भी दुरुपयोग कर रहा है, मतलब वो धार्मिक कट्टरपंथी लोग कुछ भी करें कोई कोरोना की बंदिश नहीं है। अभी उपचुनाव के अंदर कितनी सभाएं हुई वही होंगे, पर मजदूर अपने हक के लिए, किसान अपने हक के लिए अगर एक जुलूस निकालना चाहता है, अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है तो उसके लिए बंदिशें हैं। तो 26 तारीख का जो हड़ताल है उस हड़ताल में हमारी योजना है
कि हर जिला मुख्यालय पर हड़ताल के बाद लोग बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे और उस रैलियों की तैयारी है। अब अलग अलग जगह हसब से कलेक्टर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, नहीं नहीं आप इकट्ठा नहीं हो सकते, तो जो होगा पर लोग उतरेंगे सड़क पर। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर लाखों लाख की तादाद में लोग उतरेंगे, जिसमें सरकारी कर्मचारी होंगे, बैंक के कर्मचारी होंगे, बीमा के कर्मचारी होंगे, बीएचएनएल होगा, कोयला होगा, आंगनबाड़ी होगी, अम्बाल होंगे, पल्लेदार होंगे, ट्रांसपोर्ट के मजदूर होंगे, यानी एक बहुत ही व्यापक स्पेक्ट्रम के वर्कर जो है इसके अंदर शामिल होंगे। और चूंकि किसानों ने भी वो 26-27 का नारा दिया है, संसद घेर रहे हैं वो, और संसद घेरने के लिए दिल्ली जितने लोग जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन बाकी जो है किसान संगठनों के लोग वो अपने अपने स्थानीय स्तर पर गतिविधि करेंगे। तो हमें लगता है कि 26 तारीख को मजदूर और किसानों की मिली जुली ताकत होगी, एक असरकारक आंदोलन के रूप में मध्य प्रदेश में दिखेगी। महाराष्ट्र में संविधान दिवस के मौके पर हर जिले के कलेक्टर कार्यालय के सामने हजारों लोगों की जुटने की संभावना है। यह जमावड़ा कई संगठनों की मांग पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कामगारों और किसानों की एकता का प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य के श्रम संगठनों ने गुरुवार को औद्योगिक इलाकों में पूर्ण बंद की योजना बनाई है, वहीं किसान संगठन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले या जिन्हें निगमों ने नौकरी दी है वे भी अपनी काम की जगहों से हड़ताल में हिस्सा लेते रहेंगे। शनिवार को ऑल इंडिया किसान सभा के डॉक्टर अशोक धावले, किसानों के नेता राजू शेट्टी, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, किशोर धामले, INTUC नेता जयप्रकाश छाजेड़, मुंबई यूनियन लीडर शंकर सालवी, ट्रेड यूनियनवादी उदय भट्ट, जन आंदोलनची संघर्ष समिति के संयोजक विश्वास उतागी एक बैठक में शामिल हुए, जिसमें विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई। JASS के संयोजक उतागी कहते हैं, हम सभी जिलों के तैयारी कर रहे हैं, संगठन के सदस्य कर्मचारियों, किसानों और मजदूरों को इकट्ठा कर रहे हैं, हर जगह पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं, वे लोग पूरे दिन कलेक्टोरेट ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे। यह भी तय किया गया है कि किसान संगठन राज्य की हर तहसील में प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर धावले कहते हैं, हजारों किसान दिल्ली में 2 दिन के प्रदर्शन में हिस्सा लेने जाएंगे। ठीक इसी वक्त किसान राज्य की हर तहसील और हर क्षेत्रीय कार्यालय पर 2 दिन तक प्रदर्शन करेंगे। वे एक मेमोरेंडम जमा करेंगे जिसमें नए किसान कानून को वापस लिए जाने की मांग होगी। इस बार स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन, रियल एस्टेट कामगारों की यूनियन, कूलियों की यूनियन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही है। सर्व श्रमिक संगठन के नेता उदय भट्ट ने न्यूज क्लिक को बताया, लॉकडाउन के चलते असंगठित क्षेत्र पर बहुत असर पड़ा है। हमारी मांग है कि जब तक महामारी की स्थिति खत्म नहीं हो जाती तब तक हर मजदूर को 7,500 रुपए दिए जाएंगे। हमारी आशा है कि सरकार इन मांगों पर ध्यान देगी और इन्हें मानेगी। यह हड़ताल केंद्र सरकार को चेतावनी है। देशभर के मजदूर 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। दिल्ली और उसके आसपास के लगे राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जिनका एक बड़ा हिस्सा दिल्ली NCR में आता है, वहां भी इस हड़ताल को लेकर मजदूरों ने पूरी तैयारी कर ली है। यहां भी बड़ी संख्या में मजदूरों के सड़क पर उतरने की उम्मीद है। इसमें औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र मजदूरों के साथ ही सरकारी कर्मचारी, स्कीम वर्कर और बीमा और बैंक कर्मियों के शामिल होने की उम्मीद है। देशव्यापी हड़ताल में संघ समर्थित भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर बाकी सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र फेडरेशन और संगठन शामिल हैं। इनकी तैयारी लगातार जारी है। इस बीच कई BJP शासित राज्यों में मजदूर नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर भी मजदूरों में काफी गुस्सा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी 24 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,975 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 480 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 42,314 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 4,819 मामले कम हुए हैं। देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 91,77,840 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,34,218 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0.07% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 93.75% हो गया है, यानी अब तक कुल मरीजों में से 46,04,955 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 4.77% यानी 4,38,667 हो गई है।
आईसीएमआर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 13,36,85,275 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 10,99,545 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।